पुरानी जो पेंशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बुढ़ापे के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे फैमिली के लिए भी। कब तक करते रहेंगे प्रदर्शन? जब तक नहीं मिलेगा तब तक करते रहेंगे प्रदर्शन। पता नहीं ये आप दिखा पाएंगे जनता को या नहीं दिखा पाएंगे, मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रखी है उन्होंने। जहाँ पे भी हमें हक की लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे। इस महंगाई के ज़माने में 2500 पेंशन में कोई गुजारा कर लेगा? नई पेंशन में कोई फायदा नहीं, अगर नई पेंशन में इतना फायदा है तो वो अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते नेता लोग? आप लोग नहीं चाहते कि आपका पैसा राष्ट्र हित में लगे? हमारे भी बच्चे हैं, क्या बच्चों खाना नहीं खिलाना? अगर सरकार वापसी बनानी है तो मांग माननी पड़ेगी। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। जब मेरे चारों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ सैनिक हैं और दूसरी तरफ रेलवे के कर्मचारी हैं। दोनों की मांग एक ही है, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, लेकिन सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। लगातार ये लोग 2 महीने से ज़्यादा हो गया सैनिक बैठे हुए हैं और पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ रेलवे के कर्मचारी हैं जो हजारों हजार कर्मचारी हैं, पूरे भारत भर से एकजुट होते हैं और सरकार मांग नहीं मानती है, ये बेबस होकर लौट जाते हैं। क्या कहेंगे सर? सर हम तो ये कहेंगे कि पुरानी जो पेंशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे बुढ़ापे के लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे फैमिली के लिए भी। और ये सारे केंद्र सरकारी के लिए जितने भी कर्मचारी हैं, रेल के अलावा भी, सबको मिलना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, क्यों इसको रोके हुए है? सरकार ये कह रहे हैं कि इससे जो है हमारे देश का अर्थव्यवस्था जो है इसके ऊपर लोड पड़ रहा है, तो जो इससे पर अगर लोड पड़ रहा है तो जो मंत्री संतरी हैं उनको क्यों दिया जा रहा है, वो भी अपनी पेंशन बंद करवा ले, उनको क्यों पेंशन दे रहे हैं? मंत्री संतरी तो आप ही लोग चुनते हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठते हैं, देश के गौरव है ना। हाँ जी, हम उनको चुन रहे हैं तो हमें नहीं पता था ना कि हमारे पीठ पीछे ऐसे करेंगे। आज जो भी कर रहे हैं वो तो हमारे लिए तो गलत कर रहे हैं, हमारे प्रजा के लिए भी गलत कर रहे हैं, हमारे देश के लिए गलत कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए गलत कर रहे हैं। तो क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या गलत जो हो रहा है कि हमारे पेंशन नहीं दिया जा रहा, जो हमारा अधिकार है वो हमें नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक करते रहेंगे प्रदर्शन? जब तक नहीं मिलेगा तब तक करते रहेंगे प्रदर्शन। क्या कहेंगे सर, आप बताइए। ऐसा हमारे पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आज हम यहाँ पे जो जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए हैं लाखों की संख्या के अंदर, ये ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम वापस नहीं आएगी, हम अपना जो धरना प्रदर्शन है, जहाँ पे भी हमें हक की लड़ाई के लिए जाना पड़ेगा वहाँ तक जाएंगे इसके ऊपर। वो और भी सरकार से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट के जितने भी संस्थान हैं उसमें बहुत सारे लोग बाग हमारे यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस शकूर बस्ती से भी आए हुए हैं, लखनऊ से भी आए हुए हैं, जितनी भी प्रेसें हैं उनको सरकार बंद करके जो पैसे वाले लोग बाग हैं, पूंजीपति लोग हैं, उनको छापने के लिए सारा जितना भी डाटा हमारा सारा उन्होंने भेज दिया, उनको सब उनको दिया जा रहेगा। यानी कि मीडिया से भी आप आश्वस्त नहीं है? मीडिया से हम आश्वस्त इसलिए नहीं है ना कि मीडिया, पता नहीं आप जैसे आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, पता नहीं ये आप दिखा पाएंगे जनता को या नहीं दिखा पाएंगे। मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा रखी है उन्होंने। कुछ मीडिया ऐसे हैं, दिलेर हो सकता है उनमें से एक, आप बहुत दिलेर हो कि भाई आप हमारी न्यूज़ दिखा दें। मेन तो हमारा यही है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं इनको वापस से रिस्टोर करना चाहिए जो बंद कर दिए गए हैं, और जो अभी चल रहे हैं उनको अच्छी तरह से चलते रहने देना चाहिए। और OPS है, एक ही अधिकार जो आदमी 40 साल सर्विस करता है उसके पास कुछ नहीं होता जब वो रिटायर होकर के जाता है। 200-300 छुट्टी जमा होती हैं, उसके पैसे होते हैं, थोड़ा बहुत ग्रेजुएटी के नाम पे, और 40% उसकी पेंशन के नाम पे, उसी का पैसा उसी का काट करके दे दिया जाता है और बता दिया जाता है कि 20 लाख रुपये मिल गए, 30 लाख रुपये मिल गए। और जो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर हैं उनको तो पेंशन का है ही नहीं, किसी की 1500 रुपये पेंशन, किसी की 800 रुपये पेंशन, किसी की 200 रुपये पेंशन, तो कैसे काम चलाएंगे अपना? आज की डेट में आपको पता है कि बच्चे कोई किसी का साथ नहीं देता, सबको अपने आप ही अपना स्ट्रगल करना पड़ता है। आप बुजुर्ग आदमियों को देखो कितनी तादाद बढ़ती जा रही है, सड़क पे भीख मांग रहे हैं वो। अच्छा, उन्होंने भी जॉब की हुई है लेकिन उनके पास जो है ना ऐसा साधन नहीं था कि जो सरकारी आदमियों के पास है पेंशन हैगा। सरकार को ये लगता है कि ये सरकारी आदमियों को पेंशन दे देंगे उनका खजाना खाली हो जाएगा, अपने लिए अगर वो 5 बार चुने गए तो 5 बार की पेंशन कर लेते हैं वो। सारी ये समस्याएं हैं हमारी, अगर आप पहुंचा सकते हो हमारी बात तो आपके चैनल को हम बहुत ज़्यादा वो करेंगे। और ये पुरानी पेंशन का हमारा है ही साथी सारा वो। क्या कहेंगे आप बताइए, आगे जाओ। मैडम आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे, तो क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं देना चाहती है?
अब ये तो सरकार ही जाने, लेकिन हम मजदूर अपना हक लेके देंगे, हम आपको बताएं, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाल करवा के ही रहेंगे हम। नई पेंशन में कोई फ़ायदा नहीं, अगर नई पेंशन में इतना फ़ायदा है तो वो अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते नेता लोग। देखिए ना, अभी तो शोषण है मजदूर के साथ, जो नई पेंशन लागू जबरदस्ती दे दी है वो कर्मचारियों को, मजदूरों को, तो हम पुरानी पेंशन लेके रहेंगे बस इतना ही। कैसे लेंगे, कैसे लेंगे जरा बताइए। ये हमारा संघर्ष चल रहा है, जारी है संघर्ष। हमारे महामंत्री जी हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, हमारे महामंत्री जी, और हेडक्वार्टर डिवीजन से कॉमरेड संजीव सैनी जी हैं, हमारे सारे डिवीजन यहाँ पे इकट्ठा है। हमारे पूरे देश में रेलवे पे उस प्लेटफार्म पे ये ऐसा किया जा रहा है प्रदर्शन कि पुरानी पेंशन बहाल करवाने के लिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। आप हमारी बात को आगे रखने का। तो सरकार भी तो कह रही है कि क्या आप लोग नहीं चाहते कि आपका पैसा राष्ट्रहित में लगे? नहीं, राजहित में लगे, हम टैक्स देते हैं, अच्छी देते हैं, लेकिन हमारा जो हक है वो छीन के अगर लगाया जाए वो गलत है। हमारे भी बच्चे हैं, क्या बच्चों को खाना नहीं खिलाना? वो अपने पैसे को, अपनी पेंशन को भी तो लगाए ना उसमें, राजहित में, तभी तो मजा है। हम भी देंगे अपने देश हित में, उनको भी देना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि लागू हो तो सबके लिए हो। आगे ही 2024 का इलेक्शन है, तो क्या करेंगे आप लोग अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो? देखिए, वो तो अभी फैसला देखते हैं क्या होता है, अभी जो टाइम है उसमें क्लियर कहना अभी मुश्किल है। बाकी देश के हित में तो हम हैं ही, अपना घर भी बाद में, अपना शरीर भी बाद में, लेकिन पहले हम देश के हित में चाहते हैं जो काम हो। आप लोग देख सकते हैं तमाम सैनिक है, पूर्व रिटायर सैनिक है, इनकी भी वही मांग है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, लेकिन इनकी मांग तो अभी तक पूरी नहीं हुई, तकरीबन 2 महीने से ज़्यादा। आप इनकी आंखों में देखिए उदासी है, क्योंकि सरकार जो है इनकी मांग नहीं मान रही है। अपना बैग झोला जो भी है सारा सामान लेके यहीं पर बैठ गए हैं, लगातार मांग उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप जब देखेंगे तो रेलवे के कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन की मांग को लेके यहाँ पर उतरे हुए हैं, लगातार आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, घर लौट जाते हैं, लेकिन सरकार इनकी मांग को नहीं सुनती है। और भी लोग हैं, कुछ उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है सर, मांग पूरी होगी आप लोग की? सरकार को अगर सरकार वापसी बनानी है तो मांग माननी पड़ेगी, हमारी जायज मांग है जी। कोई रेवड़ी नहीं बट रही है यहाँ पे। हम 35-40 साल नौकरी करते हैं, उसके बाद पेंशन मिलती है। ये 5 साल में चुन के आते हैं या शपथ लेते ही एक दिन में पेंशन पाते हैं, क्या करते हैं? वो जनप्रतिनिधि है ना जी। हमारे पे कोई एहसान नहीं करते, हम उनको चुन के भेजते हैं और वो हमारी ही पेंशन को खाने पे लगे हुए हैं। हम 35-40 साल नौकरी करते हैं तब हमारे आश्रित पेंशन का गुजारेगा वो देखते हैं लाभ, हमें कोई फ्री में नहीं मिलता है। हम 35-40 साल सरकार की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, तब मिलता है हमें। सबके लिए है ये, सिर्फ सांसदों MLA के लिए पेंशन नहीं है, पूरे भारत के लिए। सरकार जिस तरह से आनाकानी कर रही है आप लोग की पेंशन देने में, क्यों लगता है कि सरकार को जो है आप लोग की पेंशन देने से उनका बजट गड़बड़ा जाएगा? पेंशन देने से कोई बजट नहीं गड़बड़ाएगा, पेंशन केंद्रीय कर्मचारियों का हक है, वो उनको देना पड़ेगा। हमारी किसी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी की पेंशन के विरोध में नहीं है। क्या कि MLA को पेंशन क्यों मिल रही है, MP को पेंशन क्यों मिल रही है, आप लो, हमें आपकी पेंशन से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेंशन एक कर्मचारी का हक है जो 35-36 साल नौकरी करने के बाद जाता है। बड़ा दे तो रही है सर, नई स्कीम ले आई है, पेंशन दे रही है। वो कोई पेंशन नहीं है, वो न्यू पेंशन स्कीम नहीं है, वो नो पेंशन स्कीम है, जिसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी किसी की 2500 पेंशन, किसी की 3000 पेंशन है। आप मुझे बताएं, इस महंगाई के ज़माने में 2500 पेंशन में कोई गुजारा कर लेगा? आप मीडिया के लोग, आप ही बताएं, क्या आप 2500 के अंदर महीने का गुजारा कर लेंगे? बीमारी के जो बुज़ुर्ग होता है, बीमारी भी होती है, दवाई भी होती है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है। जब शरीर लाचार होता है, पेंशन ही हमारा सहारा होता है कर्मचारी का। कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन की स्कीम खत्म करके नई स्कीम लाई गई है, तो आप लोग इतना खिलाफ क्यों हैं नई स्कीम के? 1000 रुपए की गारंटी उसमें दी गई है, क्या 1000 में आज के दिन दिल्ली में या कहीं भी पूरे भारत में कोई 1000 में गुजारा कर सकता है? 1000 मिनिमम की गारंटी दी गई है। बुढ़ापा पेंशन सरकारें ही 3000 रुपए तक दे रही हैं पूरे भारत में, तो बताइए क्या सरकारी नौकरी 35-40 साल करके क्या उस बूढ़े आदमी से भी नीचे चला गया?
क्या उसकी जेब खर्चा नहीं है, क्या उसको वृद्धावस्था में वो आश्रित जो बुढ़ापे की पेंशन है वो भी नहीं मिलेगी, और जो सरकारी नई एनपीएस जो मिलेगा वो भी 1000 रुपये मिलेगा, तो ऐसी पेंशन का क्या फ़ायदा है? अगर इतनी अच्छी स्कीम है तो अपने पे लागू क्यों नहीं करते, एम्प्लॉई पे लागू क्यों करते हैं? एनपीएस अगर इतनी अच्छी सेवा है, इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी अच्छी पेंशन है, तो वो सांसदों पे एमएलए पे भी लागू हो। तो आप लोग देख सकते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि अगर नई स्कीम जो आई है पुरानी पेंशन की वो अगर इतनी ही अच्छी है तो एमपी एमएलए को क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों रेलवे कर्मचारी को, क्यों सैनिकों के ऊपर ही ये थोपा जा रहा है? इस खबर पे आपकी क्या राय है?